हमारे भारत में 1960 से ऑक्सीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी यह मार्केट में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। यह इंजेक्शन भैंसों को दूध निकालने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के बच्चा ना होने पर उसके उपयोग में लिया जाता है। इस इंजेक्शन के उपयोग से महिला व मवेशियों में क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं देखते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन क्या काम आता है? ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन ब्लड को रोकने के लिए और ब्लड जो सर्कुलेशन में कॉन्स्ट्रक्शन के लिए काम आता है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसके प्रभाव ये पड़ते हैं कि वो प्रीमैच्योर लेबर भी हो जाता है। साइड इफेक्ट ना ज़्यादा यूज में लेने के तो जॉन्डिस का बताते हैं बच्चे को, न्यूनेटल जॉन्डिस बहुत ज़्यादा सिम्टोम लेते हैं। जब मैं इस इंजेक्शन को खरीदने मेडिकल स्टोर पर गई, बेझिझक मेडिकल स्टोर वाले ने मैंने जितने चाहे उतने इंजेक्शन उसने तुरंत निकाल कर दे दिए। इंजेक्शन लेने के बाद मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि इस इंजेक्शन पर कोई प्रतिबंध है, तो मेडिकल स्टोर वाला बोला कि मैडम प्रतिबंध तो है लेकिन मैंने आपको दे दिया। तो ये जो भैंसों के दूध निकालने के लिए लगाया जाता है इंजेक्शन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसको अपन ह्यूमन का काम छोड़ लेते हैं, काम तो वही है दोनों का। सिंटो लगाने से मिल्क भी एक्सप्रेस होता है, उसी के साथ दूध भी आ रहा है, सिंटो लगाने से दूध आ जाता है। तो पब्लिक पर कोई दबाव नहीं करते, जैसे भैंसों के उस इंजेक्शन को लगाएंगे उसका दूध आएगा उसको लोग पियेंगे तो उसका क्या प्रभाव? उसमें मेन हमारे करौली के ड्रग्स इंस्पेक्टर जो हैं वो भरतपुर संभाग पर बैठते हैं और वो एक दो माह में करौली आते हैं और चेक कर चले जाते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन के बारे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। सुनीता कसेरा, इंडिया नर्ड के लिए।